मनु। बड़ी अम्मा, हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे विनती कर रहे हैं कि आप देवरक्षिका को यहां से ले जाइए। रुकिए। कल रात को महल में एक इच्छाधारी नागिन आई थी, और अगर देवरक्षिका नहीं होती तो आज हम आप सबके सामने खड़े नहीं होते। शांत हो जाइए नागरानी, आपको खुद पर काबू करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि हमारा राज खुल जाए। शांत हो जाना है। कैसे शांत हो जाए जबकि हम खुद जानते कि नागमणि तक पहुंचने का रास्ता हमने अपने हाथों से बंद कर दिया है। कैसे शांत हो जाए? सिर्फ गुरुजी जानते थे कि वो नागमणि कहां रखे, और हमने अपनी बेवकूफी में आकर उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मार दी। अब उस नागमणि तक हम नागवंशी के वो इंसान तक नहीं पहुंच सकते। अब हम क्या करेंगे? हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हम इस महल के जर्रे जर्रे को तलाशेंगे। पर इस महल में सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी हो चुकी है। तक्षिका भी देवरक्षिका की नजरों में आ चुकी है, उसे भी इस महल में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ इस देवरक्षिका की वजह से हो रहा है। अगर ये देवरक्षिका नहीं होती ना, तो अब तक मणि आपके हाथों में हो चुकी। आज तो हमने उसे महल से बाहर निकाल ही दिया, पर उस माधव ने उसे बचा ली। बस जरा सोचो, अगर माधव खुद देव रक्षिका को इस महल से बाहर निकाले तो फिर उसे कौन बचाएगा? पर माधव ऐसा क्यों करेगा? करेगा माया, जरूर करेगा। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो उसे हमारी बात मानने पर मजबूर करेगा। ऐसा कौन सा हथियार? तुम्हें अपने विवाह का नाटक कुछ दिन और करना होगा। माधव को अपने प्यार के जाल में फंसना होगा। उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि तुमसे ज्यादा प्यार उसे और कोई कर ही नहीं सकता, और फिर तुम्हारे कहने पर माधव देवरक्षिका को बाहर निकाल। अब इस देवरक्षिका को महल से बाहर जाना ही होगा। अब शुरू होगा अनामिका का खेल और राज परिवार का सर्वनाश। जय शेषनाग। आज राजवंश आपके और देव रक्षिका के एहसानों तले थोड़ा और दब गया। बड़ी अम्मा, रानी साहिबा ने बताया कि किस तरह एक नागिन से देव रक्षिका ने युवराज के प्राणों की रक्षा की। पर खतरा अभी टला नहीं है बड़े राजा। इस महल पर खतरों के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। पिछले दिनों में युवराज पर 3 बार हमले हो चुके हैं, और गुरुजी का कहीं कोई पता नहीं है। बड़े राजा, नागवंश की कोशिशें बहुत प्रबल हो रही हैं। बड़ी अम्मा, पिछली बार जब युवराज पर हमला हुआ था तो हमने नागमणि की सहायता से ही युवराज के प्राणों की रक्षा की, लेकिन अब तो बड़ी अम्मा, अगर गुरुजी के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई तो फिर नागमणि
हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। पिछले दिनों से इस महल में जो कुछ घट रहा है उसके बाद तो हमें भी लगता है कि नागमणि का गायब हो जाना ही सही। हमें आज्ञा दीजिए। मांग में खून कैसे? हे करुणदेव, जिसकी जिंदगी रिश्तों से खाली है उसकी मांग कैसे भर सकती? जो भाग्य ने मुझे दिया, जो भी दिया, मैंने सब स्वीकारा, लेकिन लेकिन इसे कैसे स्वीकारूं? आप मुझे बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं, लेकिन मुझे अपना वादा, अपना संकल्प पूरा करना है, चाहे अनचाहे मेरे और माधव के बीच एक रिश्ता बन गया है, जो है भी और नहीं भी। मैं उलझी हुई, वचन बंद, मेरे मन में सिर्फ फर्ज और वचन है, लेकिन मुझे ऐसे उलझन में मन डालिए क्या मुझे अपने मन और अपने वचन में से किसी एक को ढूंढना पड़े। मर डालिए ऐसे उलझन में। पीजिए पीजिए, अगर आपके खानदान के लोग अयाशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके खानदान में तो हर पीढ़ी के लोग अयाशी करने में माहिर, फिर क्या माधव और क्या आपकी प्यारी दीदी? आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा, अगर आपकी दीदी को ये सब करने में शर्म नहीं आती तो हमें बोलने में शर्म क्यों आती? भला ऐसी कोई योगन देखी जो तपस्या के नाम पर रंगरलियां मनाकर आई? आप जिन रिश्तों को समझ नहीं सकती हैं, उन रिश्तों पर टीचर को छाने का आपको कोई हक नहीं है छोटी रानी। हमें ऐसे नाजायज रिश्ते समझने का शौक भी नहीं। क्या परिवार है आप? एक जोगन है जो गर्भवती, एक युवराज है
जिसका अपनी देव रक्षिका के साथ क्या रिश्ता है पता नहीं। एक आप जो सबके सामने तो भीगी बिल्ली बने रहते लेकिन कमरे में अपनी बीवी के सामने मर्दान की बाहर आ जाते। इस हवनकुंड की अग्नि से पवित्र अग्नि इस धरती पर और कोई नहीं है। हम अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे अभी इसी पल विवाह करेंगे। मनु, मैं नहीं मानती इस बंधन को, इस प्यार को, इस शादी को और इस रिश्ते को भी। रूपलेखा जी, आप यहाँ क्यों? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहे तब आ सकते हैं। आपके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं, इसलिए आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आए। हमें ये दूध नहीं पीना। दूध नहीं पीना चाहते या हमारे हाथों से नहीं पीना चाहते? आप कहे तो हम देव रक्षिका को भेजते। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, वो आपकी देखभाल करती है तो लगा उन्हें बुला देती। रूपलेखा जी, हमारे और उनके बीच आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप भी हम पर उतना ही विश्वास करें, इस रिश्ते पर उतना विश्वास करें। आपने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी, पर हम जानना चाहते हैं युवराज, क्या आप हमें पसंद करते हैं? हमने हमेशा तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है मनु, पर अब हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। हम आपको पसंद करने लगे हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे प्यार करने लगे हैं। क्या कुमारी रूपलेखा युवराज को इस वक्त कहां लेकर जा रहे हैं? शायद माधव और रूपलेखा नमिष्य वन की तरफ गए हैं।
माधव को नमिश्वन क्यों ले जा रही है? युवराज चल। रक्षिका, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने युवराज को आपके साथ बाहर आते हुए देखा, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए मैं उनके पीछे आई। लेकिन राजकुमारी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वन में बहुत खतरा है, आप दोनों को इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। इस समय अगर किसी को यहाँ नहीं होना चाहिए ना, तो वो आप है देवरक्षिका। हम और युवराज एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बनने वाले हैं, हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं, और वो भी अकेले में। हमें नहीं पता था कि वक्त पर भी देवरक्षिका का पहरा होता है। हर समय युवराज के साथ रहना मेरा कर्तव्य है, और युवराज के साथ वक्त बिताना हमारा अधिकार है। हम देख रहे हैं देवरक्षिका, जब से युवराज और हम एक दूसरे के पास आने लगे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों देवरक्षिका? आखिर आप चाहती क्या? सिर्फ युवराज की सुरक्षा और कुछ नहीं। आप युवराज की सुरक्षा चाहती है या युवराज को? राजकुमारी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और बाकी बातें महल में भी हो सकती हैं। इस वक्त इस वन से दूर चलिए। दूर तो हम आपसे जाना चाहते थे, इसलिए युवराज को लेकर इस वन में आ गए।
फिर आपने तो हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। युवराज आप भी जानते हैं ये वन खतरे से खाली नहीं, समझाइए राजकुमारी को और चलिए मेरे साथ। मनस्विनी की वजह से माधव पर छाया मेरा माया जाल टूट रहा है। कहीं इसकी बात मानकर माधव वापस जाने का फैसला ना कर दे।